ये मैंने देखें ऑयल गरम करने रख दिया, ऑयल नहीं ये घी है, देसी घी। तो अब मैं इसमें ये बेसन डालने लगी हूँ, इसको थोड़ा सा इसको जो है पकाना है, बेसन को पकाना है। और साथ ही इसमें जो है साथ ही हरी इलायची भी शामिल कर दें। मैं घी डाल चुकी थी और बेसन भी डाल दिया है, और अब मैं ये हरी इलायची जो है शामिल करने लगी हूँ। थोड़ी सी हरी इलायची जो मैंने पीस के रख ली थी, ये देखें, इससे खुशबू के लिए हरी इलायची डालिए। ये थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर भुनने का पता इसे लगेगा कि ये इसकी बेसन की खुशबू आने लगेगी। नहीं अभी 13 ये देखें, अब ये कुक कर रही हूँ मैं। मैंने ऑयल डाल वो घी डाला, देसी घी डाला था, देसी घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो फिर गर्म भी हो गया और मेल्ट भी हो गया, तो फिर मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया। तो अब ये मैं शीरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शीरा मैंने बनाया था। ये शुगर ली है 100 ग्राम और वाटर भी 100 ग्राम, तो फिर इसका मैंने शीरा बना लिया था और अब ये शीरा तैयार हो गया है, तो ये भी मैं इसमें डालूंगी। और इसके अलावा मिल्क जो है वो 1 कप मिल्क है, 250 ग्राम मिल्क है 1 कप। इसकी छोटी प्याली जो अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी प्याली से मैंने ये नापा हुआ है, पाव की प्याली है ये, तो इससे मैंने नाप के ये चीज़ें रखी हुई थी। इस तरह ये बेसन भी 250 ग्राम था और देसी घी भी, ये घी भी 250 ग्राम ही था। 1 1 कप पाव का कप जो होता है छोटा, वो मैंने पाव पाव कप से इसके 250 ग्राम ये नाप के रखे हुए थे, तो वो ही मैंने शामिल कर लिया। तो अब ये मैं जो है हिला रही हूँ, तो ये बेसन अभी इसका कलर चेंज करेगा, तो फिर मैं इसमें ये 1 कप मिल्क, 250 ग्राम मिल्क में शामिल कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डालना है। हीटेड दी घी क्लैरिफाई बटर, हीटेड दी एंड मेल्ट दी क्लैरिफाई बटर, एड दी 1 कप ग्राम फ्लोर एंड कुक कुक टिल लाइट गोल्डन, एंड देन एड लिटिल बाय लिटिल मिल्क, 1 कप मिल्क, देन एड दी ग्रीन कार्डमम एंड आलमंड्स एंड कुक दिस इज़ दी। ये मैं अब शबे बारात के हवाले से, शाबान का महीना है, इसलिए बहुत मुबारक महीना है शाबान के महीने से, शबे बारात के हवाले से मैं ये आज बेसन का हलवा बना रही हूँ। ये शबे बारात स्पेशल एपिसोड है, और मैं आपने काफ़ी मेरी एपिसोड्स देखी भी होंगी शबे बारात की, काफ़ी मैंने बनाई हुई थी, चने की दाल का हलवा और इस तरह और भी हलवे बनाना सिखाए हुए हैं मैंने आपको। तो ये अब ये हो जाता है, अभी ये देखें पक रही है, अभी अभी ये पक रहा है, तो फिर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है बेसन का, तो फिर मैं इसमें वो डाल दूंगी, मिल्क शामिल करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। मिल्क जो है थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है।
अब ये कलर थोड़ा चेंज कर रहा है, हल्का सा गोल्डन हो गया है, हल्का सा कलर बेसन ने चेंज किया है, वो हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो मैं अब जो है, अब मैं इसमें मिल्क जो है शामिल कर दूंगी, ऐड लिटिल बाय लिटिल मिल्क टिल दी बेसन दी ग्राम फ्लोर लाइट गोल्डन। अब ये देखें, ये मैं अब जो है थोड़ा थोड़ा करके मिल्क जो है शामिल कर रही हूँ। ये देखें, हटा लें अगर वो हो तो, और थोड़ा सा हटा लें और फिर मिल्क शामिल करके दोबारा रख लें इसको। तो ये मैं अब देखें जो है मिल्क मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, और फिर थोड़ी देर बाद ही मैं फिर चीनी और पानी का शीरा भी शामिल कर दूंगी। ये अभी मैं मिल्क इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ। तो आज मैं ये शबे बारात का हलवा बना रही थी। इससे पहले मैंने सूजी का हलवा और चने की दाल का हलवा आपको बनाना सिखाया हुआ, इसका लिंक आ रहा होगा, वीडियो लिंक आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिल जाया करें मेरी जल्दी। और आप मेरी और भी शबे बारात की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये ऊपर जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरी और वीडियोस भी। ये देखें, अब मैंने शामिल कर दिया है, और ये पैन से इसने छोड़ना भी शुरू कर दिया है, और देखें कलर बहुत अच्छा आया है इसका। ये देखें कलर भी इसका चेंज हो गया था, अब मैं हिला रही थी। अब ये देखें, मैं शीरा चीनी पानी का शीरा शामिल कर रही हूँ इसमें। चीनी जो थी 100 ग्राम थी, और इसका मैंने शीरा पहले से ही तैयार कर लिया था, तो अब मैं ये शीरा शामिल कर रही हूँ इसमें। तो अभी कलर भी और जो घी ने भी वो पैन को थोड़ा सा ये वो हो गया है, अब तकरीबन ये पकने ही वाला है। और कलर देखें, कलर भी सही हो गया है इसका। तो मैंने थोड़े से आलमंड्स भी इसमें, अभी इसमें थोड़े से आलमंड्स अभी शामिल कर लिए हैं, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लिए हैं। तो अभी ये पकता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब ये बिल्कुल होने वाला है। तो जो शुगर और पानी मैंने एक एक जैसे वो 100 ग्राम शुगर और 100 ग्राम वाटर लिया था, मैंने उसका शीरा तैयार कर लिया था और वो ठंडा हो गया था, तो मैंने फिर इसमें ये अभी डाला था। ये इसमें घी और बेसन के मिक्सचर में मैंने शुगर शुगर सिरप जो है शामिल कर दिया था। ऐड कुक एंड देन ऐड शुगर सिरप एंड कुक टिल डन। ये तैयार हो गया है। ये शबे बारात में, ये शबे बारात की निस्बत से मैंने हलवा बनाया था, बेसन का हलवा। ये तैयार हो गया है, इसे डिश आउट कर लिया है। शेयर माय रेसिपी, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।